मैडम, आज के इस प्रोग्राम के बारे में, उड़ान फेस्टिवल 2024, क्या कहेंगे आप? जब पहले ये लोग मेरे पास आइडिया लेके आए तो फ्रेंकली मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं, बड़ा हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग गुड एफर्ट्स। तो मैं उड़ान की जो पूरी टीम है उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुंब्रा बहुत बड़ा शहर है, हमने देखा है जब हम कोई भी टैलेंट का कॉन्टेस्ट लेते हैं तो बहुत बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेते हैं और अच्छा करते भी हैं। पेंटिंग को बोलो, रनिंग बोलो, मैराथन हमने लास्ट टाइम किया था, फिर से 25 फरवरी को हम करने वाले हैं। एंड आई विश ऑल द प्लेयर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर गोइंग टू टेक पार्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और मैं उनको लक भी विश करना चाहूँगी। शाहरुख सैयद ने कहा है कि हमारा पहला प्रोग्राम है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, उनका पहला प्रोग्राम, हर चीज़ का पहला दिन होता है। सो कुछ कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स शायद आई होंगी अभी भी और आगे भी आएगा 4 दिनों में, लेकिन आई एम श्योर ऐसे ही गिरते पड़ते ही चलना सीखते हैं हम लोग। सो अगली बार इंशाल्लाह और जितने भी खामियां हैं वो पूरी होंगी और मैं पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और अवार्ड साहब की तरफ से प्रेस को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। किसी तो लड़ाइयाँ झगड़े ना कवर करते हुए आप लोग इन बच्चों का टैलेंट, इनकी मेहनत अगर लोगों तक पहुँचाएंगे तो ज़्यादा पेरेंट्स और ज़्यादा बच्चे ऐसी चीज़ों के लिए आगे आए। मैम, स्पोर्ट्स है मुंब्रा शहर के अंदर, खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उड़ान के कई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर से भी नाराज़गी निकाली गई, फाड़ के फेंक दिए गए, उससे क्या हासिल होगा? उड़ान एक अच्छा स्पोर्ट्स है, उसको क्यों ऐसा करना चाहिए लोगों को? तो इस हिसाब से किसी की सोच के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी के करने के ऊपर है। सो उनके करने उनको मुबारक और हमारे स्पोर्ट्स हमको मुबारक, आपको उड़ान मुबारक। थैंक यू। स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे समाज का, तो आप युवाओं को क्या संदेश दोगे मुंब्रा के? कि आजकल हर जगह, चाहे वो मुंब्रा हो, थाना हो, मुंबई हो, कहीं भी, ये जो भी बाकी की चीज़ें जो बढ़ रही है, जो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उस सब से दूर रहने का स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया है। और आप स्पोर्ट्स वाले, ज़रूरी नहीं है कि हर एक ने एक ग्राउंड पे खेलना चाहिए। कैरम ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट। चेस एक बहुत अच्छा इंडोर गेम है, बहुत सारे इंडोर गेम्स भी है। मुझे एक बात समझ रही है कि इट्स वेरी सैड, मैं और साहब हमेशा बात करते हैं कि मुंब्रा में अच्छे प्लेग्राउंड्स नहीं है, अभी उसका कारण आप लोग ढूंढ रहे हो। थैंक यू। मर्जिया मैडम, आज आप यहाँ पर आए उड़ान को सपोर्ट करने के लिए, तो किस तरह का सपोर्ट किया है और क्या बताएंगे उड़ान को लेकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट रखा गया है उड़ान के नाम से, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर हम बोला जाए तो। मुंब्रा कौसा में ऐसे इवेंट्स होते रहे, ये बहुत ज़रूरी है मुंब्रा कौसा के बच्चों के लिए। तो माशाल्लाह आज उसका पहला दिन है, बहुत अच्छे से हमने ओपनिंग की और फिर बच्चों ने मैराथन रनिंग भी चालू की। सो कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम और हमारा सपोर्ट इंशाल्लाह हमेशा। सर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा दिन है, आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है, सपोर्ट करने के लिए मर्जिया जी आई हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे, थैंक यू सो मच मर्जिया का आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सबसे। और सेकेंडरी, ये हम लोगों ने जो इवेंट रखा था बच्चों को स्पोर्ट्स के तरफ तवज्जो करने के लिए, सारे दूसरे पॉलिटिकली राइवल्स छोड़कर स्पोर्ट्स के तरफ ज़्यादा ध्यान देने के, पॉलिटिक्स में करके स्पोर्ट्स पर ध्यान ज़्यादा मुंब्रा के बच्चे इंशाल्लाह देंगे। इस साल 7,500 है तो नेक्स्ट ईयर 14,000 का हम एक्सपेक्टेशन करो, इंशाल्लाह होगा। शाहरुख, मर्जिया जी, मुंब्रा के बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स में किस तरीके से भाग लेना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए? नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, आई थिंक अकेडमिक्स, पढ़ाई को लेकर के, इंडोर गेम्स को लेकर के, आउटडोर गेम्स को लेकर के, जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपको हम सबके ज़रिए देखने के लिए मिलती है, कभी हमारे ज़रिए, कभी संघर्ष के ज़रिए, कभी अभी माशाल्लाह उड़ान के ज़रिए। तो आपको टाइम टू टाइम अगर देखने मिले तो एक्चुअली में मुंब्रा कौसा के बच्चों के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो आपको समझ में आएगा कि कौन लोग सोच रहे हैं। वो चालू है और इंशाल्लाह वो चालू रहेगा और बच्चों को, बड़ों को, यूथ को, हर किसी को इस चीज़ में एनकरेज, जितने भी लोग हैं मुंब्रा कौसा के, वो अपने बच्चों को एनकरेज करें कि वैसी चीज़ों में पार्ट लें ताकि उनका दूसरे चीज़ों से ध्यान रखें। शाहरुख भाई, आज जिस चेहरे को यहाँ पर देखना चाहते थे लोग, जिनका फोटो लगा है, तो वो आज क्यों मौजूद नहीं है? उनका कुछ कोर्ट में तारीख था और जो केस चल रहा है एनसीपी का, तो इसके बाद वो इधर ही आएंगे रात को 10:30 बजे तक, वो इधर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, प्रेजेंट होंगे वो, ऐसा नहीं, वो आएंगे कल भी विजिट करके गए और आज भी वो 10 बजे तक इंशाल्लाह आएंगे। शाहरुख भाई, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की एकेडमी अगर मुंब्रा में आने की कोई संभावना है आपकी तरफ से?
अभी क्रिकेट तो स्टार्ट हो गया है इतिहाद की तरफ से, अभी संघर्ष भी देखो नया फुटबॉल का ज़्यादातर चल रहा है, इंशाल्लाह भी देखते हैं नया स्टार्ट होता है। मर्जिया जी की तरफ से क्या शुरुआत होने वाला है अगला प्रोग्राम, जैसा जीनियस 60 हुआ था उसके बाद और भी कुछ किए थे आपने, अगला प्रोग्राम आपका क्या होगा? Can we have a round of applause for Sumaiya for doing such a wonderful job indeed? Those who have the bands for the 100 meter running race and they have the ones who have registered for it, I request you all to please gather on the right hand side. हमारे बीच एंड मून स्टार ग्लोबल स्कूल के ये जो हमारे सारे ब्यूटीफुल क्यूट क्यूट टाइनी डॉट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है इतनी
सारी परफॉर्मेंसेस जो दे रहे हैं, दे हैव डन देयर बेस्ट, इतने मंच का उनका जो हार्ड वर्क रहा है। Known as RSP, that is Road Safety Protocol, RSP Bands.